So now, students, let me present you with a bit complex example of a feature, ताकि आपको थोड़ा सा ये elaborate हो कि जब हमने feature को तोड़ना है तो हमने उसको unit है वो एक बनाना है, multiple बनाना है, या how to decide it. So just look at your screen. Feature का name हमारा है hierarchy management. अब ये आपको it look very simple, लेकिन अब इसका जरा concept समझें. Hierarchy management का concept ये है कि I should be able to define N level hierarchy. यानी एक organization है, उनके अंदर for example 6 level of employees है. For example, एक organization है, उसके अंदर for example 8 level of employees है. यानी they have for example a director, they have certain managers, then they have assistant managers, then they have senior software engineers and so on. कोई एक कंपनी है, they start with VP and they have assistant AVP and so on. एक कंपनी है, वो कहते नहीं कि हमारी हायरार्की जो है वो है ही तीन, for example. तो हम एक ऐसा फीचर बनाना चाह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं नंबर ऑफ हायरार्कीज के. मतलब जिसको मैं कह रहा हूं कि n लेवल, n लेवल से मुराद ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इट कुड बी 6, for a particular organization it could be 8, for a particular organization it could be 3, and for any other organization it can go up till let's suppose 100, aur jo bhi n ki possible value hai. Now this thing look very easy, this thing is a bit tricky. Reason ke aapne hard code nahi kiya, yani aap, you don't want to hard code your software to certain numeric value. To ab pehla kaam, ab ye ek feature hai. अब आप पहला काम क्या करेंगे, आप पहले तो लिखेंगे स्टेप्स के हायरार्की मैनेजमेंट होनी कैसे है. तो पहला स्टेप है कि आपने हायरार्की को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने हायरार्की को आपने कोई भी नेम देना है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर है या वीपी है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की का नेम है. हायरार्की का लेवल डिफाइन करें कि दिस इज लेवल 1 मीन बीइंग द टॉप एंड 2, 3, 4, 5. जो पहले तीन स्टेप हैं ये तो सिंपल है. नाउ लुक एट स्टेप नंबर 4, एड रूट टू द हायरार्की. दिस इज द क्रक्स ऑफ एन लेवल. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम एडिंग लेवल नंबर 2 तो उसका रूट 1 होगा, एंड इफ आई एम, इफ यहां पे फॉर एग्जांपल इफ आई एम एडिंग लेवल नंबर फॉर एग्जांपल 3 तो उसका रूट होगा 2 और 2 का रूट होगा 1. तो इट हैज टू कम अ सॉर्ट ऑफ अ ट्री. यानी मुझे रूट डिफाइन करना है हायरार्की का, और ये काम मुझे अब प्रोग्रामेटिकली करना है. दिस इज अ वेरी बिग टास्क. उसके बाद जो रूट्स हैं उनके मुझे चाइल्ड डिफाइन करने हैं. यानी एक जो एक फॉर एग्जांपल एक 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 हायरार्की का लेवल फॉर एग्जांपल 2 है, उसका रूट है 1 और जो उसके चाइल्ड हैं वो 3 और 4 है. इसका मतलब ये होगा कि एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम अ रूट कैन बी अ चाइल्ड एंड अ चाइल्ड कैन बी अ रूट. या आप यू कह लें कि एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम रूट को हमने मल्टीपल तरीके से हमने ट्रीट करवाना है. तो उसके बाद अ चाइल्ड कैन बी अ रूट नोड आल्सो लाइकवाइज. जो कि जिस तरीके से हमारा जो रूट था वो चाइल्ड भी हो सकता था, वैसे ही जो चाइल्ड है वो रूट भी हो सकता है. नाउ दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम. अब यहां पे एग्जैक्टली हम लोग यूज करते हैं अमूमन, आई मीन इफ आई वुड हैव टू डिसाइड, तो मैं अमूमन यहां पे कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करता, सॉर्ट ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर, या बाइनरी ट्री, या रेड ब्लैक ट्री, या एवीएल ट्री, कोई आई मीन कोई ट्री स्ट्रक्चर यूज करता. नंबर 1. नंबर 2, इस तरह के फीचर को देख के जो सबसे पहली चीज विच हिट माई माइंड, that this feature cannot be developed by an inexperienced developer. तो यहां पर कुछ डेटा स्ट्रक्चर का काम आना है, कुछ मेमरी मैनेजमेंट का काम आना है, कुछ डायनामिक एलोकेशन होनी है. यानी क्योंकि अगर तो मेरे पास यूं होता ना कि जी मैंने अगर मेरे पास हायरार्की लेवल फॉर एग्जाम्पल फिक्स होता 3, 6, 8, तब ये मेरे पास रूट नोड एड रूट का इशू ही नहीं होता, क्योंकि वो तो फिक्स है हमारे पास. यानी अगर 6 लेवल हैं तो उसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इज माई लास्ट चाइल्ड एंड सो ऑन. लेकिन क्योंकि हमारी अब एन लेवल मैनेजमेंट है, आई विल नेवर एवर गो विद एन एनी
inexperienced developer. I won't go with inexperienced developer, number one. Number two, I will go with my best available experience resource with, and especially a guy who is having an experience in data structure manipulation or dynamic memory allocation. And lastly, ye jitne bhi steps hai na, for example, 6 steps hai, ye main independent unit banata. I will never ever make all of them as one unit. That would be a blunder. I mean, I can merge these two. Yani main step 4 or 5 ko merge karke ek unit bana sakta hu, lekin not all. Agar main tamam ko ek hi unit bana dunga, so it will give me a blocker. Yani main agar step number 2 pe stuck ho gaya hu, to main step number 3 4 5 6 ko bilkul test hi nahi kar sakta, even though if they are working. Yani agar wo sahi kaam bhi kar rahe hai na, to even then I am stuck. Reason ke maine unit hi ek banaya hua hai, aur jab main unit testing hi nahi kar pa raha, to usko main verify kaise karunga. So, in this particular case, I will never ever go with one unit. I will go with multiple units working together, working in parallel, number one. Number two, if I will have the luxury of time, so this is not necessary that I have multiple units in different span of time. One developer can give it. Yani, one week, for example, one developer unit one pe kaam kare, dusre hafte wohi developer unit 2 pe kaam kare. Yani multiple developers amuman hum log us waqt inject karte hain jab timelines bahut short hoti hain. Yani if we are tough on timelines, yani time kam hai aur kaam bahut zyada hai, to us waqt hum log amuman developers ko, I mean we will add the developers. Lekin ek baat aap logon ke dimag mein rakhni hai, at time adding a developer at a wrong time will increase the cost. Reason, code ko samajh ke usi frequency se ya usi pace se development karna, it is practically impossible. Ya jitna marzi acha developer ho, ek cheez hoti hai usko bolte hain domain knowledge. Yani logic ko samajh ke phir aage logic continue karna, it take time. Aur jitne zyada log honge, utne zyada log ek hi code base ke upar sochenge. To you have to, it's sort of a catchy situation ki kis waqt developer ko add kare aur kis waqt developer ko add na kare. But if I were have to decide, aur agar mere paas thoda sa leverage ho time ka, to I will go with the same developer, kyunki ye jo feature hai, jo n level management hai, iski nature aisi hai. If I will divide the logic na, to there will be a chance ki aapki collusion ho jayega, ya aapki jo logic ki jo streamlining hai, it will be broken somewhere. So I'll go with one developer, but obviously if I am running short on time, which obviously all the time I will be, then I have to put, I may distribute multiple units, but I will not make all of these steps as a single unit.